हमने भी घाट प्रारंभ यहाँ से अपना कामकाज चलवा। भाई यह पत्थर देख रहे हो ना, ये शायद ऊपर से गिरा है, ये भी शायद ऊपर से गिरा है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ही अक्षय, वेलकम टू एसटीके व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। फाइनली वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आई होप कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में मैं विजिट करने वाला हूँ एक स्पेशल घाट। एक्चुअली ये घाट बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके साथ ही ये घाट बहुत डेंजरस है। तो चलो इस घाट को एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपसे मोटो व्लॉग पर बात करता हूँ। दोस्तों ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये सावित्री नदी है। अभी घाट स्टार्ट भी नहीं हुआ है और यहाँ पे बोर्ड लगा है अबघाट प्रवण क्षेत्र वाहने सावका चालवा। तो यहीं से जो रिस्क फैक्टर है वो चालू हो जाता है। ये बोर्ड देख रहे हो आप, अंबेनगरी घाट प्रारंभ, यहाँ से अपना घाट स्टार्ट होता है। वैसे देखेंगे ना तो ये घाट स्टार्ट होता है जैसे ही आप पोलकपुर से लेफ्ट लेते वैसे ही चालू हो जाता है। जैसे मैंने बोला, ये मोस्ट लॉन्गेस्ट घाट है महाराष्ट्र का, तो इसका डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर का है। ये जो आप पूरा फॉरेस्ट देख रहे हो ना, ये जावली रीजन में आता है और जावली रीजन को स्वराज्य में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। वाव, ये व्यू देखो। तो अपना फेस्टिवल सीजन नज़दीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने गणेश चतुर्थी की तैयारियां कर दी है क्या। घाट का जो रूट का काम है वो 1971 में स्टार्ट हुआ था और अराउंड 1976 में ख़त्म हो गया था। तो आप देख रहे हो ना, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। नागमोड़ी वर्णे वाहने सावका चालवा। भाई प्रो राइडर था ये जो आ रहा था ऊपर से। तो दोस्तों, आपने अगर ऐसे कोई घाट एक्सप्लोर किए है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको घाट चढ़ना पसंद है या उतरना। स्पेशली मुझे तो घाट चढ़ना पसंद है। एक्चुअली ऐसे देखेंगे तो उतरने के लिए इट इज़ वेरी रिस्की, फिर इसमें आपको अपने स्किल्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे और एक बोर्ड है, दरड कोसलने की शक्यता वाहने सावकाश चालवा। दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये घाट बहुत खूबसूरत है। तो अगर ये घाट खूबसूरत है तो इस घाट में रिस्क भी उतनी है। जैसे 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, एक बस एक्सीडेंट दापोली के बस का, जो दाबिल टोक है वहाँ पे हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है जो फेमस है एक्सीडेंट्स के लिए। घाट बहुत रिस्की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज़्यादा लीन मत करो और अपने एक मतलब एक एवरेज स्पीड मेंटेन करो, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो, और रोड डिसिप्लिन फॉलो करो। तो ये आप पत्थर देख रहे हो ना, ये शायद ऊपर से गिरा है, तो ये भी शायद ऊपर से गिरा है। तो यहाँ पे दोस्तों लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ऐसे भी बोर्ड दिखेंगे कि कहीं पे रुकना मत, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस। ये वाटरफॉल देखो कितना खूबसूरत है। घाट पर राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप ज़रूर एक बार इस घाट पर विजिट करना और मुझे बताना कि आपको क्या फील होता है। बस ध्यान रखना कि ज़्यादा बारिश हो तो मत आना, क्योंकि ये घाट बहुत रिस्की है, कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं। ये घाट जो है ये वेस्टर्न घाट को कोंकण से जोड़ता है, मतलब सातारा डिस्ट्रिक्ट को पोलादपुर से जोड़ता है। तो आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो, और मतलब अगर आप महाबलेश्वर आ रहे हो तो आप कोंकण जो मुंबई गोवा हाईवे है वहाँ से ट्रैवल करो,
ताकि आप इस घाट को एंजॉय कर सको। ये व्यू देखो, लाल परी, वाह 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 वाह, लाल परी। फाइनली ये वीडियो यहाँ पे एंड करने का टाइम आ गया, क्योंकि मैं अपने फाइनल जो स्पॉट है वहाँ पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे ये घाट एंड हो जाएगा। जैसे तो मैंने बोला था कि अगर आप महाबलेश्वर आओगे तो ये रूट से आना, तो महाबलेश्वर यहाँ से ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर से है, और ये राइट में प्रतापगढ़ फोर्ट है। तो प्रतापगढ़ का ऑलरेडी अपना वीडियो है, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। तो मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।